बेलारूस की कहानी किवाड़, लेखिका स्वेतलाना एलेक्जेविच। मैं इस घटना का साक्षी बनना चाहता हूँ। होने को तो यह हादसा 10 साल पहले हुआ था, पर कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन बार बार मेरे जीवन में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। हम प्रिप्यात शहर में रहते थे और यह घटना उसी शहर की है। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं इसे किसी तरतीब में बता पाऊँ मुझ में इतनी काबिलियत भी नहीं है। मेरा दिमाग आज तक इस हादसे को समझने में नाकामयाब रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाई। सीधी सी बात है कि आप सब सामान्य से इंसान हैं, एक अदने से आदमी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर के तमाम सभी लोग हैं। सुबह तैयार होकर आप काम के लिए निकलते हैं और शाम को घर वापस लौटते हैं। आपको औसत तनख्वाह मिलती है। साल में एक बार आप कहीं सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। जाहिर है आप सब सामान्य इंसान हैं और अचानक एक दिन यह हादसा हो जाता है और आपको आम इंसान से चेर्नोबिल इंसान के रूप में तब्दील कर देता है। इंसान कहें या जानवर, जिसके बारे में हर कोई जिज्ञासु तो है, पर कोई अदद इंसान ऐसा नहीं जिसको आपकी पूरी जानकारी हो। आप हर किसी सामान्य इंसान की तरह दिखना चाहते हैं, पर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाता। लोग बाग आपको बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगते हैं, रोक रोक कर आपसे सवाल पूछते हैं। उस समय क्या खौफनाक मंजर था? न्यूक्लियर प्लांट में आग आखिर क्यों लग गई? चारों ओर का नज़ारा कैसा था? क्या तुम्हें मालूम है कि अब बच्चे पैदा करना चाहो तो कर पाओगे? तुम्हारी बीवी साथ है या घर छोड़ के भाग गई? पहली ही नज़र में हम सब इंसानों से जानवरों में तब्दील हो गए। चेर्नोबिल शब्द किसी ऐसे सिग्नल की तरह हो गया था जिसकी ओर राह चलते हर आदमी घूर घूर कर देखने लगा था। ऐसे ही सब कुछ शुरू हुआ। हमने सिर्फ एक शहर खोया हो ऐसा नहीं था, हमने अपनी जिंदगी खो दी। वहां से अपना घर छोड़कर हम तीसरे दिन हटे। रिएक्टर धू धू कर जल रहा था। मेरे एक दोस्त की बात याद आती है, वह बोलता था, सब तरफ रिएक्टर की गंध फैली हुई है। हाँ, गंध चारों ओर पसरी हुई थी, पर उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। पर यहां के अखबार हादसे के बारे में लिख रहे थे, उन्होंने चेर्नोबिल को हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया तो, पर ऐसा करके उन्होंने कार्टून जैसे विद्रूप ही प्रस्तुत किया। मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो मेरा नितांत निजी अनुभव है, मेरा और सिर्फ मेरा सच। उन्होंने रेडियो पर बार बार घोषणा करनी शुरू की कि कोई भी अपने साथ पालतू बिल्ली नहीं ले जा सकता, सो हमने अपनी बिल्ली को सूटकेस में बंद कर छुपा दिया। पर वह थी कि घर से हिलने को तैयारी नहीं थी, छिटक कर सूटकेस से बाहर आ गई और यहां वहां पंजे मारने लगी। फिर घोषणा हुई कि आप अपना कुछ भी सामान लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं अपना सारा सामान यथावत छोड़कर चला जाऊंगा, पर एक सामान तो ले ही जाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। मुझे अपने घर का किवाड़ तो साथ ले ही जाना होगा, किसी भी सूरत में मैं उसे छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। किवाड़ की खाली जगह मैं गत्तों से ढक दूंगा। हमारा किवाड़ हमारी दैवीय ताबीज है, खानदान की पवित्र निशानी है। जब मेरे पिता ने अंतिम सांसें ली थी तो उन्हें इस किवाड़ पर रखा गया था। मुझे पक्के तौर पर यह तो नहीं मालूम कि यह परंपरा कब और कहां से शुरू हुई। ऐसा भी नहीं है कि सभी परिवारों में इसे माना जाता हो, पर मेरी माँ ने बताया कि खानदान में किसी के मरने पर उसके शव को घर के किवाड़ पर तब तक लिटाया जाता है जब तक कि ताबूत बनकर आ नहीं जाता। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिता के शव की बगल में मैं सारी रात बैठा रहा और वे इसी किवाड़ पर लेटे रहे थे। सारी रात हमारा घर खुला था। इस किवाड़ पर कई ऐसे निशान हैं जो मेरे सयाने होने के प्रमाण हैं, जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, सातवीं क्लास के निशान, सेना में भर्ती होने से पहले के निशान। इन निशानों की बगल में इसी तरह मेरे बेटे के बड़े होने के निशान भी लगे हुए हैं। इसके बाद मेरी बेटी हुई, उसकी निशानी भी इसी किवाड़ पर दर्ज है। भले ही कहने को यह निर्जीव लकड़ी का किवाड़ हो,
पर मेरे पूरे जीवन की इबारत इस पर लिखी हुई है। ऐसी स्मृतियों को भला मैं कैसे छोड़कर भाग जाऊं। मैंने अपने पास वाले पड़ोसी से कहा, मेरी मदद करो। उसने अपने सिर को छूकर बिना बोले मुझे समझाया, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, पर मैंने इस किवाड़ को छोड़ा नहीं, अपने साथ ले ही आया। रात के अंधेरे में छुपते छुपाते अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल के रास्ते, वह भी घर छोड़ने के 2 साल बाद, जब हमारा यूं ही बियाबान में छोड़ दिया गया घर चोरों ने लूट लिया, एक एक सामान उठा ले गए। मेरी आहट सुनकर पुलिस पीछे पड़ गई और मुझे धमकाने लगी, रुक जाओ नहीं तो हम गोली चला देंगे, खबरदार यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। उन्हें लग रहा था मैं एक चोर हूं। इस तरह मैं अपने ही घर से किवाड़ चुरा कर भाग निकला। मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अस्पताल गया। उनके पूरे बदन पर काले चकत्ते उभर आए थे। कभी ये चकत्ते खूब उभरे दिखाई देते और अगले ही दिन गायब हो जाते, और उनका आकार 5 कोपे के सिक्के के बराबर तक हो जाता, पर उनमें कोई दर्द नहीं होता। डॉक्टरों ने उन दोनों पर कुछ परीक्षण किए। जब मैंने डॉक्टरों से नतीजे जानने चाहे तो उनका टका सा जवाब था, हम इनके रिजल्ट आपको नहीं बता सकते। मेरे लिए नहीं तो किसके लिए हैं ये रिजल्ट, मैंने कहा। अस्पताल में हर कोई कहता था हम सब मरने जा रहे हैं, मौत हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी थी। सन 2000 तक कोई भी बेलारूसी जीवित नहीं बचेगा। मेरी बेटी महज 6 साल की थी। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे मुझे पास बुलाकर कानों में बुदबुदाती, डैडी मैं जिंदा रहना चाहती हूं, देखो मैं तो अभी कितनी छोटी हूं। और मुझे लगता था कि वह बच्ची अभी नादान है। एक पल के लिए आप कल्पना करो कि 7 छोटी बच्चियां किसी कमरे में एक दूसरे से सटकर बैठी हो और उन सब के सिर मुड़े हुए हों। हमारी नज़र भी उस कमरे की तरफ पड़ी। मुझे लगा यह कष्ट की पराकाष्ठा है। आज भी जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मेरा मन बार बार कचोटता है कि मैंने उनके साथ धोखा कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है कि मैं इस घटना का बयान एक अजनबी की तरह कर रहा हूं। मेरी पत्नी बगैर एक शब्द बोले ही अस्पताल से लौटी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। इन बच्चियों की तरह दुख भुगतने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी के प्राण निकल जाए, या फिर ईश्वर मुझे ऐसे दृश्य न दिखाए। अभी फौरन अपने पास बुला ले, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी हालत क्या बयान करूं, पूरी तरह से बेहालत, संज्ञा शून्य। हम अपनी बेटी को किवाड़ पर लिटाते हैं, उसी किवाड़ पर जिस पर मेरे पिताजी का शव रखा गया था। वह किवाड़ पर तब तक पड़ी रही जब तक कि उसका छोटा सा ताबूत नहीं आ गया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी गुड़िया का बक्सा। मैं इस घटना का साक्षी बनना चाहता हूं। मेरी बेटी चेर्नोबिल की वजह से असमय हमें छोड़कर चली गई, पर वे चाहते हैं कि हम सब यही बातें अपने स्मृतियों से धो पोछ डालें।